Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slip. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे सरोजनी मार्केट को, जी हाँ, जो कि दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट है जिसमें ट्रेंडी कलेक्शन आपको भर भर के देखने को मिलता है। इसके लिए जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है सरोजनी नगर। जी हाँ, सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पे आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है और ठीक उसी के सामने आपको दिख जाएगा सरोजनी मार्केट का इतना बड़ा सा गेट। जैसे कि आपको पता ही है कि सरोजनी मार्केट में एंट्री करने से पहले आपका जो है कोविड टेस्ट होता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि अभी कुछ समय से कोविड टेस्ट वाले मेट्रो के बाहर आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ, अभी कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली जो है सरोजनी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए गेट नंबर 3 से मैंने एंट्री की है। चलिए चेक करते हैं कि इस बार समर का क्या क्या कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कीजिए एंड 10K का पार्ट बनिए। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी रश नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी पहुँच गई थी, मतलब 10:30 अराउंड मैं मार्केट में एंटर कर चुकी थी। तो जैसे आप एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको इस तरीके के वॉकिंग भैया मिलते हैं, ये आपको हर जगह जगह मिलेंगे। तो गाइस, सामने जो ये लेन देख रहे हैं, इसे जैसे आप एंटर करते हैं गेट नंबर 3 से, इसके सामने जो पूरी लाइन जाती है इसे मंडी लेन कहते हैं। तो ये मंडी लेन में आपको इस तरीके का कलेक्शन देखने को मिलेगा। लाइक जैसे ही मेरे यहाँ पे नजर गई ट्राउजर पे, यहाँ पे 250 रुपीज का सेल आउट था। लाइक आपको इस तरीके के ट्राउजर्स दिखेंगे जो कि फॉर्मल लुक दे रहा है, अगर आप कॉलेज गोइंग है या ऑफिस वर्किंग है तो उसमें ये काफी अच्छा जाने वाला है। स्टफ भी इनका काफी अच्छा ही था। एंड जैसे इसी के साथ में यहाँ पे 250 का आपको बीच टाइप की ड्रेसेस देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी प्यारा लुक दे रहा था। एंड ये ओवरऑल मतलब हर किसी में जाने वाला, सारे साइज़ की कोई इशू नहीं रहेगा। पैटर्न इनके काफ़ी अच्छे थे, जंपसूट भी आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, एनिमल प्रिंट वाले भी थे, एंड कैजुअल लुक का काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे। एंड कलर्स भी इनके पास काफ़ी थे, लाइक आप देख सकते हैं। एंड ये व्हाइट वाला तो काफ़ी प्यारा लगा मुझे, क्योंकि जैसे कि अभी समर चल रहा है, समर में इस तरीके का जो कॉटन फैब्रिक होता है वो काफ़ी कम्फर्टेबल होता है। एंड इस तरीके के पैटर्न्स भी इनके पास काफ़ी थे। एंड जस्ट शॉप के अंदर ही आप देखेंगे तो काफ़ी आपको इस तरीके के टॉप्स मिल जाएंगे जिसमें नेट वाला था, साटन फैब्रिक था। एंड जस्ट इसकी स्टार्टिंग 200 से था, 200, 250, 300, लाइक इस तरीके के काफ़ी सारे आपको टॉप्स मिल जाएंगे। एंड जस्ट शॉप के बाहर ही आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का सेल आउट वाले टॉप्स भी मिल जाएंगे जो कि आप घर में इजिली पहन सकते हैं। स्पेगडी वाले थे एंड सिंपल टॉप्स वाले जो होते हैं टी शर्ट टाइप्स में, तो काफ़ी सारे टी शर्ट्स का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जस्ट 100 रुपीज़ का। इसी के साथ में आपको यहाँ पे जीन्स का भी कलेक्शन काफ़ी देखने को मिलेगा, जीन्स का, शॉर्ट था, स्कर्ट्स था, इनके शॉप में काफ़ी सारी वराइटी थी। एंड साथ ही साथ गाइस, आपको इस तरीके की फॉर्मल लुक में काफ़ी ट्राउजर्स देखने को मिलेंगे, पैंट्स देखने को मिलेंगे, शर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि फॉर्मल लुक में इजीली जाने वाला है। इस तरीके के कट स्लीव आपको टॉप्स भी मिलेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर आप कुछ भी यहाँ पे लेना चाहें तो सारी कैटेगरीज के आपको मिल जाएंगे। एंड बाहर इस तरीके का आपको जो 100 रुपीज़ का सेल आउट शर्ट टाइप में, जैसे जो नोट वाले होते हैं उस टाइप के, ये भी 100 रुपीज़ का सेल आउट। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कलेक्शन की तरफ, जिसमें आपको काफ़ी प्यारे प्यारे, काफ़ी गॉर्जियस वन पीसेस ड्रेसेस देखने को मिलेंगे। एंड इस तरीके के आपको सिंपल टी शर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड जो अभी काफ़ी ट्रेंड में इस तरीके के टॉप्स चल रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा था इनका स्टफ भी एंड प्राइस जस्ट 250 से स्टार्टिंग था। 250 से लेकर 350 के बीच में आप इसमें से कोई सा भी टॉप ले सकते हैं। मटेरियल काफ़ी अच्छा था जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इंस्टाग्राम में आपने काफ़ी देखे ही होंगे कि इस तरीके के ट्रेंडी कलेक्शन आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। एंड ये काफ़ी लेटेस्ट है, इन शॉप्स में जो हर वीकली जो कलेक्शन है वो चेंज होते रहते हैं। एंड जस्ट ये शॉप आपको जो गगन सिलेक्शन है इसके जस्ट बिल्कुल सामने मिल जाएगा, तो इसके बिल्कुल सामने ही ये वाली शॉप मिल जाएगी आपको। तो आप जाते हैं डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके के बाहर आपको ये सेल आउट मिलेंगे जगह जगह 150 का, जैसे ये ट्राउजर्स थे। एंड गाइस, वी नो इस तरीके का जो ट्राउजर्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं ये मतलब काफ़ी कूल लुक देता है अगर आप इसे अच्छे से स्टाइल करें तो। एंड जस्ट इसके सामने आपको यहाँ पे कुर्ती प्लाजो का 350 का सेल आउट था, वो मिल जाएंगे। एंड जस्ट इसके साथ में ही यहाँ पे एयरिंग्स का मुझे कलेक्शन देखने को मिला जो कि 50 से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में आप कोई सा भी ले सकते हैं। लाइक ये ऊपर वाले 50 के थे एंड नीचे वाले जो दिखा रही मैं आपको ये 100 रुपीज़ के थे जो कि काफ़ी ट्रेंडी थे। इसी के जो साथ में आपको इस तरीके से जो चेयर पे भी आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग कितने से होगी भैया आपकी? 50 से कितने तक? 50 से 100। तो गाइज, जैसे कि खुद ही अपने भैया के मुँह से प्राइस सुन लिया तो प्राइस काफ़ी रीजनेबल था एंड कलेक्शन नो डाउट काफ़ी अच्छे अच्छे काफ़ी ट्रेंडी एरीज का कलेक्शन था यहाँ पे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ के झुमके की, तो ये झुमके मुझे सच में काफ़ी अच्छे लगे जो कि काफ़ी कलर के, मतलब मल्टी ऑफ कलर के आपको वराइटीज़ मिल जाएगी। साथ इनके पास इस तरीके के रिंग्स एंड बैंगल्स का भी कलेक्शन था। सो गाइस, मैं आपको सरोजनी नगर से जुड़ी दो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, क्योंकि मैं अगर अभी बताऊंगी तो मे बी वो आपको क्लियर ना हो, मैं क्लिप के साथ अगर आपको दिखा के बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके।
एंड गाइस जितना भी कलेक्शन आपने देखा जस्ट 100 से लेकर 300 रुपीस के बीच में आपको मिल जाएगा, जो कि काफी ऑप्शन थे इनके पास। एंड गाइस इसके बाद जैसे ही आप डायरेक्ट लेन पार करते हैं आपको इस तरीके के दो रोड दिखेंगे, एक तो बिक्सी की तरफ जा रहा है एंड दूसरा इंसेंस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको आगे कलेक्शन दिखाने वाली हूँ ये इंसेंस रोड का मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंसेंस में हर बार की तरह फिर इस बार जो इनका डिस्प्ले किया गया है जींसेस का कलेक्शन एंड ड्रेसेस का कलेक्शन वो काफी प्यारे लग रहे हैं हर बार की तरह। फैबुलस कलेक्शन है इनके पास। एंड आप देख सकते हैं इनका जो वन पीसेस है शॉर्ट्स है वो तो मतलब हमेशा ही ट्रेंड में रहता है। उसके बाद जस्ट गाइस इसके सामने ही अपोजिट में मुझे ये शॉप मिली जीन्स का, जिसमें काफी प्यारे प्यारे डेनिम के शॉर्ट्स थे, डेनिम का जीन्स था एंड जो भी लेटेस्ट कलेक्शन चल रहा है फैडी जीन्स रफ जीन्स आपको हर तरीके के हर कैटेगरी के यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे डांगरीज भी थे, यहाँ पे डेनिम का स्कर्ट था वो काफी प्यारा लुक दे रहा था एंड काफी गॉर्जियस था। अमाउंट भी काफी रीजनेबल था इनका, जस्ट 100 रुपीज से स्टार्टिंग था, 100 रुपीज से लेकर 500 रुपीज के बीच में आपको काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड गाइस उसके बाद मुझे यहाँ पे टी शर्ट्स का कलेक्शन देखने को मिला, जो कि यहाँ पे सेल आउट चल रहा था जस्ट 200 रुपीज़ का। 200 में आप कोई सा भी टी शर्ट ले सकते हैं, जो कि फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, कैजुअल में, नाइट टी शर्ट, इस तरीके के काफ़ी आपको पैटर्न में मिल जाएंगे। एंड इस तरीके का जो लाइट पैटर्न है ये काफ़ी ट्रेंड में था। एंड गाइस इसी के साथ शॉप नंबर 109 में आपको बाहर इस तरीके का कलेक्शन मिलेगा ज्वेलरीज का, जिसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज थी, ट्रेंडी ज्वेलरीज था, जंग वाली ज्वेलरीज थे एंड काफ़ी ओवरसाइज वाली ज्वेलरीज थे। नेक पीसेस एक से बढ़कर एक था, जो कि काफ़ी प्यारे काफ़ी थे एंड जस्ट जो इन सब का प्राइस था वो 100 रुपीज़ का था। 100 रुपीज़ का आप इसमें से कोई सा भी कलेक्शन ले सकते हैं। लाइक ये इयररिंग्स देखिए कितना ही ज़्यादा गॉर्जियस लुक दे रहा है एंड इस तरीके के आप सेट्स भी ले सकते हैं, ये भी जस्ट 100 रुपीज़ का है। क्वालिटी इनकी नो डाउट काफ़ी अच्छी थी एंड इस तरीके की जो लाइट ज्वेलरी है ऑक्सीडाइज वाली ये मुझे काफ़ी पसंद आई एंड ये मैंने जस्ट परचेज कर लिया। 100 रुपीज़ का था, जो कि काफ़ी प्यारा लुक दे रहा था। एंड इस तरीके की भी ज्वेलरीज आप ले सकते हैं, इस तरीके के कमल वाले इयररिंग्स जो कि काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। एंड इस तरीके के आप जो कोई सी भी आप ज्वेलरी, स्पेशली अगर मैं इस व्हाइट वाले की बात करूँ तो ये आपने डेफिनेटली इंस्टाग्राम के पेज में मैंने इसे देख रखा है पहले भी। एंड जैसे इसी के सामने इस तरीके के आपको जीन्स का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि मुझे हाई वेस्ट वाली एक जीन्स चाहिए थी थोड़ा सा लूज टाइप में एंड जैसे 250 रुपीज़ का था तो मैंने इसे परचेज कर लिया। एंड इनके पास इस तरीके की फॉर्मल ट्राउजर्स भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, काफ़ी लेटेस्ट टॉप्स भी देखने को मिलेंगे, टी शर्ट देखने को मिलेंगे एंड प्राइस इनके काफ़ी रीजनेबल थे। 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग था, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। एंड जैसे इसी के साथ में आपको वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा आपको जीन्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेनिम के शॉर्ट्स, डेनिम के स्कर्ट्स, डेनिम के जैकेट, डांगरीज, मतलब भरमार था कलेक्शन का। आप देख सकते हैं हर साइज के हर कैटेगरीज के आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगा। लाइक ये जो शॉर्ट्स थे मुझे काफी अच्छे लगे, जस्ट 100 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग थी, 100 रुपीज़ से लेकर 250 के रेंज में आपको यहाँ पे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। एंड गाइस बताना चाहूँगी कि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अगर आप मार्केट आते हैं तो प्रॉपर आप जो है कवर अप होके आइए, सनस्क्रीन लगा के आइए एंड हो सके तो अम्ब्रेला अपने साथ लेके आइए एंड टाइमली जल्दी पहुँच जाइए मार्केट में। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का कलेक्शन मिलेगा। लाइक इस तरीके के आप ओवरसाइज वाले शर्ट देख सकते हैं, जो एज अ आप कवर अप पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का वाइट डेनिम का था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड स्टफ भी इसका काफ़ी अच्छा था, जस्ट ये 100 रुपीज़ का था। तो काफ़ी सारे शर्ट्स के कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे 200 रुपीज़ के लॉन्ग स्कर्ट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स एंड जो प्लाजोज वगैरह होते हैं उसका भी काफ़ी ऑप्शन था। लाइक आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं 200 रुपीज़ का था एंड जगह जगह मतलब काफ़ी जगह मैंने ये नोट किया कि यहाँ पे जो लॉन्ग स्कर्ट्स का कलेक्शन है वो काफ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइक इस तरीके का आपको मिल जाएगा, ये ग्रीन वाला मतलब ठीक लग रहा था एंड साथ ही साथ यहाँ पे प्लाजोज वगैरह का भी कलेक्शन देखने को मिला। इस तरीके के आप शॉर्ट स्कर्ट्स भी ले सकते हैं प्रिंटेड वाले एंड जस्ट इसी के साथ में यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिलेंगे एंड ये स्पेशली ये जो व्हाइट वाला स्कर्ट था ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा। यहाँ पे 50 रुपीज़ का सेल आउट भी था एंड इस तरीके के वंस अगेन मैंने आपको बताया 200 रुपीज़ में आपको लॉन्ग स्कर्ट्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी थे मार्केट्स में। एंड इस तरीके के वंस अगेन आपको जो है झुमको का कलेक्शन देखने को मिलेगा, इनकी भी स्टार्टिंग 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में था। इस तरीके के आपको काफ़ी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, झुमके, ओवरसाइज वाले इयररिंग्स काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे एंड ये जो पार्टी वेयर्स वाले इयररिंग्स थे ये मुझे सच में काफ़ी प्यारे लगे, जो कि काफ़ी गॉर्जियस लुक दे रहा था। तो हर तरीके के आपको इयररिंग्स मिल जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम फुटवेयर की कलेक्शन में। यहाँ पे जस्ट 350 रुपीज़ का सेल आउट था। आप स्लीपर ले सकते हैं, सैंडल्स ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, मतलब ओवरऑल पूरा जो कलेक्शन था यहाँ पे ये जस्ट 350 रुपीज़ का था। एंड जस्ट इसी के साथ में यहाँ पे आपको स्कर्ट्स का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें लेदर के स्कर्ट्स थे इनके पास एंड जस्ट इनकी स्टार्टिंग 150 रुपीज़ का था। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। शॉर्ट्स इसमें काफ़ी आपको मिल जाएंगे, ट्रेंडी आपको टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, काफ़ी कैजुअल ड्रेसेस वगैरह मिल जाएगा।
एंड्स के साथ ही जस्ट गाइस यहाँ पे वंस अगेन आपको फुटवेयर का काफी ट्रेंडी काफी लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें हर कैटेगरी के शूज भी भरपूर थे। एंड जस्ट इनका प्राइस जो था 350 रुपीस का था, 350 रुपीस में आप ये काफी ट्रेंडी जो है आप हील्स ले सकते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म से स्लीपर से शूज से मतलब जो भी आप चाहेंगे जो भी आपके माइंड में होगा हर तरीके का हर कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाले जो स्टेप्स वाले सैंडल्स थे ये मुझे काफी प्यारे लगे। एंड इस तरीके के आपको यहाँ पे फॉर्मल शूज भी देखने को मिल जाएंगे, तो इनका प्राइस भी सेम ही था। एंड इस तरीके की हील्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। एंड गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसी शॉप में आपको यहाँ पे टी शर्ट्स लोअर निकर का भी यहाँ पे सेल आउट चल रहा था, काफी अच्छा रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड जैसे इसी के साथ में यहाँ पे आपको वंस अगेन इस तरीके का फॉर्मल आप ट्राउजर देख सकते हैं जो कि जस्ट 100 रुपीज का था, लाइक इस तरीके के ट्राउजर्स आप देख सकते हैं। एंड जैसे इसी के साथ में यहाँ पे टॉप्स का भी काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, यहाँ पे आपको शर्ट्स का कलेक्शन भी काफी देखने को मिलेगा, लाइक आप कवर अप के लिए शर्ट भी ले सकते हैं। एंड जस्ट इनका भी प्राइस 250 रुपीज का था, काफी प्यारे प्यारे यहाँ पे टॉप थे स्टेप्स वाले थे, मतलब हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको ड्रेसअप मिल जाएगा। इस तरीके के लॉन्ग टी शर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे एंड इस तरीके का जंपसूट वगैरह पार्टी वेयर ड्रेसेस वगैरह भी काफी आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। एंड वंस अगेन मुझे यहाँ पे काफी ट्रेंडी काफी लेटेस्ट टॉप्स का कलेक्शन देखने को मिला जो कि काफी प्रिंटेड थे, यहाँ पे एनिमल प्रिंट था। एंड जस्ट ये फ्लेक्सिबल वाले जो थे स्ट्रेचेबल वाले इस तरीके के आपको टॉप मिल जाएंगे, क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे, कट स्लीव्स मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक यहाँ पे पैटर्न्स था। तो नो डाउट इनका कलेक्शन भी काफी अच्छा था, प्राइस आपको अभी आगे पता चल जाएगा। एंड इस तरीके की समर वाली जो ड्रेसेस होती है आपको मिल जाएगी, बीच टाइप भी मिल जाएगी एंड लॉन्ग स्कर्ट्स भी इनके पास थे। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे पार्टी वेयर ड्रेसेस क्लब टाइप वाली स्पार्कल टाइप वाली ड्रेसेस आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। एंड इस तरीके की साटन के टॉप्स भी इनके पास थे, ये मैरून वाला मुझे काफी अच्छा लगा एंड जस्ट इसे मैंने परचेज कर लिया, 250 रुपीस का था जो कि काफी प्यारा काफी गॉर्जियस लुक दे रहा था। ज्यादातर टॉप तो 350 के ही हैं। अच्छा 350 के टॉप्स तो गाइस यहाँ पे जो टॉप्स का कलेक्शन है मोस्टली आपको 250 एंड 350 रुपीस का मिल जाएगा। एंड ये शॉप जस्ट आपको शॉप नंबर 193 एंड टाइटन आईवेयर के जस्ट सामने आपको मिल जाएगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको ट्राउजर्स का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर साइज के यहाँ पे काफी कंफर्टेबल टॉप्स टी शर्ट्स वर्कआउट वाले अगर आप जिम करते हैं उस टाइप के अगर आपको टी शर्ट चाहिए पैजामा चाहिए एंड ट्राउजर चाहिए तो हर कैटेगरी के आपको वर्कआउट वाले एंड घर में पहनने वाले मिल जाएगा। फैब्रिक इनके पास काफी थे, लाइक अगर आपको कंफर्टेबल टी शर्ट चाहिए कॉटन फैब्रिक में आपको वो भी मिल जाएगा, प्राइस इनके काफी रीजनेबल थे। तो मुझे घर में पहनने के लिए काफी कंफर्टेबल ट्राउजर एंड टी शर्ट चाहिए था जो कि मुझे यहाँ पे काफी अच्छे लगे। इस तरीके के टी शर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, प्राइस इनका काफी रीजनेबल था, जस्ट 250 रुपीस का था। तो मैंने एक ट्राउजर एंड टी शर्ट यहाँ से परचेज कर लिया। शॉप में आपको इस तरीके की यहाँ पे कुर्तियों का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा, अगर आप सिंगल कुर्ती लेते हैं तो आपको 200 रुपीस में मिलेगा एंड अगर आप कुर्ती एंड प्लाजो दोनों का सेट लेते हैं तो 300 रुपीस का मिलेगा, ये सेल चल रहे थे। एंड कॉटन के भी फैब्रिक थे इनके पास, इस तरीके के काफी अच्छे अच्छे आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी में आपको जो है बच्चों के भी कलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो शॉप्स है बट कंपेरिजन टू अडल्ट काफी कम शॉप्स है बच्चों के लिए सरोजिनी नगर में। तो इस तरीके के आपको जो है थोड़े से फ्रॉक टाइप्स वगैरह टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पे पर्स का भी कलेक्शन मुझे देखने को मिला जो कि 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग था, क्लचेस पर्स वगैरह वन साइड हैंड बैग्स हर कैटेगरीज के मिल जाएंगे। लाइक ये ब्राउन वाला बैग मुझे काफ़ी प्यारा लगा जो कि काफ़ी कहते हैं ना बिल्कुल गॉर्जियस सा लुक दे रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरोजिनी नगर से जुड़ी मैं आपको दो बातें बताऊंगी, तो फर्स्टली तो ये है कि अभी जो कुछ टाइम तक पटरी कलेक्शन मार्केट में नहीं लगेगा एंड जितने भी शॉप्स वाले अपना कलेक्शन बाहर लगाते थे वो भी अलाउ नहीं है, तो शॉप के अंदर ही लगाएंगे जिस वजह से आपको जो है मार्केट काफ़ी खाली लगेगी। एंड थोड़ी आगे चल के ही मुझे वंस अगेन यहाँ पे फिर से फुटवेयर का कलेक्शन देखने को मिला जो कि यहाँ भी सेल आउट था 250 रुपीज़ का। एंड 250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे स्लीपर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको जूतियाँ मिल जाएगी, सैंडल्स मिल जाएगी, प्लेटफॉर्म हील्स मिल जाएंगे। एंड इस तरीके की जो हम जूतियाँ पहनते हैं अपने एथनिक लुक में वो भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा एंड ये घर में पहनने वाले स्लीपर्स भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी आपको फुटवेयर में यहाँ पे लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्कर्ट प्लाजो का भी कलेक्शन था जो कि जस्ट 200 रुपीज़ का था। 200 रुपीज़ का आप कोई सा भी स्कर्ट ले सकते हैं, प्लाजो ले सकते हैं, लाइक इसी तरीके का आपको मिलेगा जो कि पूरी मार्केट में लॉन्ग स्कर्ट का जो कलेक्शन था वो जस्ट 200 रुपीस का था, 200 रुपीस का सेल आउट था। एंड साथ ही साथ आपको इस तरीके की पार्टी वेयर ड्रेसेस भी देखने को मिलेगी जो कि जस्ट 2000 रुपीस से स्टार्टिंग था। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊंगी, तो दूसरी ये है जो ग्रेफ्टी लेन है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। जी हाँ, जब से वो सरोजिनी की वायरल वीडियो हुई है उसके बाद से ग्रेफ्टी लेन को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे समर हो या विंटर हो हमेशा आपको ट्रेंडी कलेक्शन देखने को मिलते हैं, इसके चांसेस है खुलने के कि ये मई में ओपन हो जाए। तो जैसे ही ग्रेफ्टी लेन से संबंधित कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं ज़रूर अपने वीडियो में बताऊंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीजिएटली मिल जाएगी।
एंड गाइज जस्ट ग्रेफ्टी लेन के बाहर आपको ये केवल दो ही शॉप दिखेगी, जिसमें से एक आप जो है टी शर्ट एंड टॉप्स वगैरह देख सकते हैं। रीजनेबल प्राइस से 100 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके की वाइट शर्ट्स मिल जाएंगे जो कि फॉर्मल लुक देता है, एज आप इसे कवर अप भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ दोबारा आ गई मंडी लेन की तरफ, यहाँ पे आपको कुर्ती प्लाजो का सेट मिलेगा, जो इसका प्राइस था सेल आउट था 270 रुपीज़ का, 270 रुपये में आप कोई सा भी ले सकते हैं, पूरा प्लाजो का सेट था इसमें। एंड ऊपर भी आप कलेक्शन देख सकते हैं, शरारा गरारा काफ़ी था। एंड यहाँ पे जस्ट 100 रुपीज़ के इस तरीके के आपको नेट वाले दुपट्टा मिलेंगे, जो कि आप काफ़ी कलर्स के थे, जो भी कलर आपके सूट के अकॉर्डिंग हो आप चाहे तो ले सकते हैं। एंड अगेन 100 रुपीज़ का यहाँ पे आपको टॉप्स का कलेक्शन मिल जाएगा, टी शर्ट्स मिल जाएंगे, जैकेट्स मिल जाएगा। एंड प्राइस इनका काफ़ी मतलब रीजनेबल था, 100 रुपीज़ में और क्या मिलेगा आपको। एंड वंस अगेन जो मैंने आपको बताया, शरारा गरारा प्लाजो यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल अमाउंट में मिलेगा, जस्ट जो है 1000 रुपये से 1000 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग थी, 1000 से लेकर आपको 2000 के बीच में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एंड दुपट्टों का भी कलेक्शन था 150 का एंड 100 रुपीज़ का, इस तरीके के आप जो है चुन्नियों के कलेक्शन देख सकते हैं। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम जो है मंडी लेन में ही मॉल रोड की तरफ आ गए। एंड ये सारा कलेक्शन आपको जो दिखेगा मॉल रोड का दिखेगा, यहाँ पे आपको जो है ट्राउजर्स वगैरह, जैगिंग वगैरह, वन पीस शॉर्ट्स वगैरह का कलेक्शन काफ़ी देखने को मिलेगा। एंड वंस अगेन आपको यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली गाइज मेरी बहन को लॉन्ग स्कर्ट लेना था, तो जस्ट मैं उसको दिखा रही थी। एंड इस तरीके के आप जंप सूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। 150 का आपको यहाँ पे जींसेस का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे फुटवेयर में स्लीपर्स वगैरह, बैलीस वगैरह का भी कलेक्शन है, जो कि सेल आउट आप देख सकते हैं 200-250 इस तरीके का जो कलेक्शन था यहाँ पे, बैलीस वगैरह, स्लीपर्स वगैरह काफ़ी प्यारे लग रहे थे एंड काफ़ी क्यूट लग रहे थे देखने में। जूतियों का भी कलेक्शन था आप देख सकते हैं, जो कि सच में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। एंड वंस अगेन गाइस यहाँ पे आपको पजामा एंड शॉर्ट्स का सेल आउट कलेक्शन देखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, बट पता नहीं कैसे मेरी नज़र इस पर चली गई एंड मुझे पसंद आ गया, तो जस्ट 250 रुपीज़ का था, मैंने ले लिया। क्योंकि घर में जितने भी पजामे अगर हमारे पास हो ना, तो वो कम ही लगते हैं, तो जस्ट ये भी मैंने परचेज़ कर लिया। 250 का था, ठीक ही था प्राइस, काफ़ी रीज़नेबल था, सेल आउट तो चल ही रहा था ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे 200 रुपीज़ के आपको इस तरीके के कलरफुल कैप्रीज भी मिल जाएंगे, जो कि समर में काफ़ी अच्छा लुक देता है, वैसे भी आप पहन सकते हैं। इसी के साथ आपको इस तरीके की ट्रेंडी टॉप्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, कलेक्शन वगैरह, जीन्स वगैरह काफ़ी देखने को मिलेगा। 50 रुपीज़ के आपको इस तरीके की टी शर्ट टाइप वाले सिंपल सोवर जैसे टॉप आपको मिल जाएंगे। एंड 150 का यहाँ पे आपको जीन्स का भी कलेक्शन देख सकते हैं। एंड जैसे इसी के साथ में एंडली हमें ये प्यारे प्यारे काफ़ी क्यूट क्यूट से टॉयज़ का कलेक्शन देखने को मिल गया, जो कि काफ़ी सच में काफ़ी क्यूट लग रहे थे। ये फिश मुझे काफ़ी प्यारा लगा एंड काफ़ी और भी कलेक्शन थे। ये पांडा मेरी सिस्टर को काफ़ी अच्छा लगा, रैबिट भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड इस तरीके के आप काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे जो है ये रेड वाला हार्ट भी देखने को मिला, जो ऑलरेडी सदर वाले अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा हो तो उसमें से मैंने परचेज़ कर लिया, सेम इसी तरीके का था। तो फाइनली फिर ये पांडा हमें अच्छा लगा। एंड जस्ट ये 100 रुपीज़ का सेल आउट था, तो मेरी सिस्टर ने इसे परचेज़ कर लिया। काफ़ी क्यूट पांडा था एंड उसको देख के सच में लग रहा था कि इसको छोड़ के तो हम बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं, तो हमने इसे ले ही लिया। एंड यहाँ पे आपको मेकअप्स का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि ड्यूप प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड एंडली जो हमने एग्जिट किया था ICICI बैंक वाले साइड से किया था, तो निकलते निकलते लास्ट में यहाँ पे काफ़ी क्यूट से मुझे पर्सेस का कलेक्शन देखने को मिला, जो कि इनका प्राइस काफ़ी रीजनेबल था, आप आके सुन सकते हैं। कितने के भी है ये? 250 का मैडम। कोई सा भी? कोई सा भी 250 का। तो सुना ना गाइस आपने कि प्राइस यहाँ पे कितना रीजनेबल था। इस तरीके के काफ़ी ट्रेंडी बैग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी शॉपिंग हो गई है। अब चलते हैं घर की तरफ, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट गाइस वन सेकंड, अभी आप मत जाइएगा, आगे कुछ और है आपके लिए। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बताना चाहूँगी, जस्ट जैसे ही आप मेट्रो से आप एग्जिट करते हैं, उसके जस्ट नीचे ही आपको इस तरीके के स्टॉल मिल जाएंगे। मॉर्निंग में ये नहीं था, अभी ज़्यादा समय मुझे दिख गया तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। काफ़ी ट्रेंडी ज्वेलरी थी, प्राइस आप सुन सकते हैं 150 का दो है। एंड इस तरीके के काफ़ी आपको ट्रेंडी नेक पीसेस भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही मैं लेटेस्ट वीडियो जब भी लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोई शिकायत होगी तो मैं आपको इंस्टा पे मिल जाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close.